तो आपने इस तरीके की वीडियो बहुत सारी देखे होंगे, कभी रील्स में देखा होगा, कभी यहाँ पर शॉर्ट्स में देखा होगा, कभी मोदी जी डांस कर रहे हैं तो कभी राहुल गांधी जी डांस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग मेरा डांस भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की रील्स जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इस तरीके की रील्स को कैसे बनाना है, ठीक है। मोदी जी वाली रील्स कैसे बनाना है, राहुल गांधी जी वाली रील्स को कैसे बनाना है, या फिर आप लोगों को अपनी रील कैसे बनाना है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वो कौन सी वेबसाइट है या फिर वो कौन सा एप्लीकेशन है जिससे आप लोग ये सारा जो वीडियोज है वो यहाँ पर बना सकते हो, ये भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वैसे मेरा नाम दिनेश और आप देख रहे हैं गॉड टेक्निकल पॉइंट, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन वीडियोज को आपको बनाना कैसे है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनको आपको किस वेबसाइट से या फिर यहाँ पर किस एप्लीकेशन से आपको बनाना, ठीक है। यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के यहाँ पर काफ़ी सारे जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंगिंग एंड डांसिंग सॉन्ग मिल जाते हैं, ठीक है। सॉकर्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। NBA जो भी यहाँ पर स्पोर्ट्स, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, जिससे भी रिलेटेड आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग वीडियो चाहिए वो सारी की सारी वीडियोज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो भी वीडियो डांस करके वीडियो बनाना है, या फिर सिंगिंग करके वीडियो बनाना है, या फिर प्ले करके वीडियो बनाना है, वो सारी की सारी वीडियो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के आपको यहाँ पर टेम्पलेट जो है मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को यहाँ पर इन टेम्पलेट का यूज करके बनाना है तो वो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस टेम्पलेट का यूज करके आपको बनाना, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ट्रेंडिंग टेम्पलेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है, नीचे लिखा होता है यूज द टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मोशन करके यहाँ पर आपका जो वीडियो वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो भी कैरेक्टर या फिर जिसका भी वीडियो बनाना है, ठीक है, मोदी जी का बनाना है, राहुल गांधी का बनाना है, या फिर खुद अपना बनाना है, ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पर ये जो कैरेक्टर का ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर ऐड कैरेक्टर का, उसकी यहाँ पर क्लिक करके वो फोटो अपलोड कर देने जिसका आप डांस वीडियो यहाँ पर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एल्बम में क्लिक करके अपनी गैलरी में, और यहाँ से मैं अपनी एक फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मुझे योगी जी से डांस करवाना है या फिर राहुल गांधी जी से डांस करवाना है, ठीक है, तो मैं राहुल गांधी का फोटो यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। इसका जैसे यहाँ पर लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद का प्रोसेस जो भी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, बट यहाँ पर अभी जो मेरा वीडियो था वो यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वीडियो और कैरेक्टर दोनों यहाँ पर लोड हो चुके हैं, यानी कि लोडिंग इनकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जैसे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है आपके फोन में, ठीक है, इस पर नीचे आपको यहाँ पर जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर लिख जाएगा जनरेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद आपका वीडियो कुछ ही देर में यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पर वो वीडियो आ चुका है जो मैंने अभी क्रिएट किया। चलिए हम इसको यहाँ पर प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बार ये जो आइकन दिख रहा है प्ले का, यहाँ पर टैप कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो वीडियो वो यहाँ पर इस तरीके से प्ले हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो वीडियो वो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इस वीडियो को आपको अपनी गैलरी में सेव करना है तो वो आप कैसे सेव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किनारे शेयर का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ही देर में जो आपका ये वीडियो है ये आपकी गैलरी में पहुँच जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंप्लीट होता है ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस, मैं आपको अपनी गैलरी में भी चलकर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो मेरा जो वीडियो वो मेरी गैलरी में यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल अपनी गैलरी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो वीडियो वो मेरी गैलरी में यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ये वीडियो जो है क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आप लोग को यहाँ पर किसी इंस्टाग्राम रील्स पर अपना डांस वीडियो बनाना है, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग रील्स देखते देखते आपको यहाँ पर कोई रील्स पसंद आ जाती है, ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि आपको उसमें डांस करना है, ठीक है, तो वो आप अपनी फोटो लगाकर यहाँ पर डांस कैसे करेंगे चलिए आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी रील्स पसंद आ जाती है या फिर कोई शॉर्ट्स वीडियो पसंद आ जाता है, ठीक है, तो उसको सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, अपनी गैलरी में। डाउनलोड करने के बाद आगे का जो भी प्रोसेस है चलिए आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ वीडियो डाउनलोड करके रखे थे तो मैं उन्हीं पर आपको अपना डांस वीडियो यहाँ पर बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो
सिंपल सा मैं यहाँ पर फिर से वही एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा आपको करना क्या है, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एड मोशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको वो वीडियो ऐड कर लेनी है, ठीक है, जिस वीडियो पर आप लोग अपना डांस वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफी सारी वीडियो ऐड की हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपल सा एक वीडियो यहाँ पर उठा लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अब आप लोगों को अगर यहाँ पर अपना कैरेक्टर लगाना है, ठीक है, तो ऐड कैरेक्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपनी गैलरी से अपना कैरेक्टर यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अभी ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपल सा अपनी ये वाली फोटो यहाँ पर कैरेक्टर में लगा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरी फोटो ऐड हो चुकी है और यहाँ पर मेरा वीडियो भी यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा आपको जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपका जो वीडियो है वो आपकी फोटो के साथ, वो जिस भी क्रिएटर की वीडियो थी उसका चेहरा यहाँ पर हटकर आप इस वीडियो में जो है आपका चेहरा लग जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में जो है पूरा का पूरा मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसको आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मेरा वीडियो वो यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से मेरी फोटो यहाँ पर सेटअप हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पर अपना वीडियो बना सकते हैं, दूसरे का वीडियो लेकर, सिर्फ आपको यहाँ पर अपनी फोटो लगानी है और आपका जो डांस वीडियो वो इस तरीके से यहाँ पर रेडी हो जाता है, ठीक है। अब इसको आपको सेव करने के लिए सिंपल सा फिर से शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में आपका जो वीडियो है ये आपकी गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो वीडियो वो मेरी गैलरी में यहाँ पर सेव हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा वीडियो मेरी गैलरी में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग किसी भी वीडियो पर अपना फोटो लगाकर या फिर किसी का भी फोटो लगाकर वहां पर अपना वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके के जो वीडियो है वो अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगर आपको यहाँ पर मोदी जी का फोटो लगाना है तो वो आप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो सिर्फ मोदी जी के ऊपर ही अच्छा लग रहा है और राहुल गांधी जी के ऊपर, ठीक है। तो राहुल गांधी जी के तो मैंने आपको बता दिया है, बट यहाँ पर मोदी जी के, बट यहाँ पर मैं मोदी जी के ऊपर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा फिर से आपको यहाँ पर अपनी एक वीडियो ऐड कर लेनी है जिस पर आप मोदी जी को डांस करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस बार मैं जो है ये वाला वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं मेरा वीडियो जो यहाँ पर लोड हो चुका है। इसके बाद अब अगर आप लोगों को इस डांस में मोदी जी का कैरेक्टर यहाँ पर ऐड करना है ताकि मोदी जी यहाँ पर डांस करें, तो उसके लिए आपको ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मोदी जी का फोटो सेलेक्ट कर लेना है ऐड कैरेक्टर में, ठीक है। इसके नीचे आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ही सेकंड्स में मोदी जी के कैरेक्टर में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर डांस वीडियो आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो वीडियो है वो मोदी जी के कैरेक्टर में आ चुका है। अब मोदी जी यहाँ पर डांस करके आपको दिखाने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, किनारे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस एक बार आपको यहाँ पर स्क्रीन में इस तरीके से टैप कर देना तो यहाँ पर थ्री डॉट मिलते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ ही देर में ये वीडियो आपके यहाँ पर गैलरी में आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरा वीडियो जो गैलरी में डाउनलोड हो चुका है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जी रहा मेरा वो वीडियो जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है और ये मेरी गैलरी में भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर को यहाँ पर डांस करवा सकते हैं, गाना गवा सकते हैं या फिर जो भी चीज़ आपको अपनी वीडियो में करवानी है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। आप अपनी खुद की भी फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और आप लोग भी यहाँ पर खुद का डांस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन से किया है, ठीक है, जिसका नाम है वीगल एआई ऐप, ठीक है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। तो वहां से जाकर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद मैंने जो भी प्रोसेस आपको बताया उस तरीके से यहाँ पर काम करके यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज क्रिएट कर सकते हैं। मोदी जी का क्रिएट कर सकते हैं, राहुल गांधी जी का क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का भी वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों के यहाँ पर कोई भी डाउट बचा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं। और ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई है, ठीक है। अगर इस वीडियो से किसी की छवि खराब हो रही है तो ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो की इंपॉर्टेंट जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।